मुझे लगता है इस पार्क में ज्यादा मुझे देखने को लिटरली दिल खुश हो गया जैपनीज पार्क आके। ग्रीनरी, इतने फ्लावर्स देख के तो मजा ही आ गया। पत्थर कितने प्यारे लग रहे हैं। देखेगा लिखा ना स्वर्ण जयंती पार्क, होली का शगुन तो हो ही गया ना। इतनी ग्रीनरी है जो कि देखने को नहीं मिलती आजकल। बट आज है 8 मार्च और हम कहाँ आए हैं। हम आए आज स्वर्ण जयंती रोहिणी, जिसे जैपनीज पार्क भी कहते हैं, कई लोग पार्क भी बोलते हैं। स्वर्ण जयंती पार्क आए हैं आज हम। सो गाइज, लास्ट ईयर हमने इस दिन मनाई थी होली बच्चों ने, बट बच्चों के चल रहे हैं इस बार एग्जाम्स, तो इस बार वो होली नहीं मना सकते थे बिकॉज गीले होते, फिर वही था कि बीमार हो सकते थे तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए मैं बोला कोई बात नहीं, तुम स्टडी करो और शाम को तुम्हें कहीं लेके चलेंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जैपनीज पार्क, जो कि मैं अपने बचपन में गई थी यहाँ पे, सो काफी अच्छा था। और अब क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हुई है आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली, सो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये ब्लॉग, पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए फिर देखते हैं। ये ऐसी कुछ इसकी यहाँ की पार्किंग, वहाँ हमने जो गाड़ी लगा दी अपनी, तो गाड़ी की पार्किंग के तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो चलिए चलते एंट्री पॉइंट यहाँ का। नीचे देखिए, और झूले भी उधर कमल बच्चों के लिए, काफी फैमिली आई हुई है। तो लिखेगा लिखा ना स्वर्ण जयंती पार्क में आपका स्वागत है। काफी फैमिलीज आई हैं यहाँ पे, काफी बड़ा पार्क है ये देखिए बच्चे, और जब जीत जा रहे हैं आगे सारा व्यूज आपको दिखाते हैं हम, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आज, वैसे होली भी है ना, बहुत सारी फैमिलीज आ रखी है एंजॉय करने के लिए ना। लेकिन एक बात है, लोग इतनी दूर जाते हैं इंडिया गेट वगैरह ना, यहाँ भी आ सकते हैं, मतलब डिस्टेंस अगर टाइम बचाना हो डिस्टेंस के हिसाब से भी, ये बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ भी पिकनिक टाइप आप बना सकते हो, फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हो। इतना क्राउड है ना, हर जगह फैमिलीज आ रखी हैं। इतनी सारी सिख फैमिलीज देख रहे हो मिली है, नो डाउट सब लोग, काफी लोग यहाँ पे, बट मोस्टली सिख फैमिली। क्रिकेट खेला जा रहा है सामने, एंड क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे फैमिली के साथ। और इतना बड़ा पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, मतलब लिटरली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ये। और जब भी पार्क में एक चीज बता दू, जब भी पार्क, जब मैं छोटी थी, जब भी पार्क नया नया बना था, इतनी हाइप थी इस पार्क की, इतनी हाइप थी, लाइक इस पार्क की ना बहुत हाइप थी, नो डाउट, जैसे कि आपने बताया। और नो डाउट आप देख सकते हो व्यू, लुक एट द व्यू, अमेजिंग व्यू है गाइस। इतनी ग्रीनरी है जो कि देखने को नहीं मिलती आजकल, बट यस, बहुत अच्छे से मेंटेन भी है, वेल मेंटेन पार्क है। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे फाउंटेन, दिखाती हूँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और इंडियन फ्लैग है, और मेरे बच्चे लगे हैं सेल्फी खींचने में, मैं दिखाती हूँ। आपने हमें कह रही है, आपने ब्लॉग मिल लिया, इसलिए हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सेल्फी मार रहे हैं। और वो सामने दिखाओ नेशनल फ्लैग, दिखा दिया। हाँ मैं दिखाऊँ, ये रहा फ्लैग, जूम करके आपको मैं दिखा रही हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हो फाउंटेन भी है, एक सेकेंड, अच्छा बंद हो गया, अभी वहाँ फाउंटेन चल रहा था गाइस, वो बंद हो गया। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वाओ, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सो डू विजिट गाइस, मतलब हाईली रिकमेंड कर रही हूँ मैं आपको, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। और किसी ने अपनी छुट्टी का एंजॉयमेंट करना हो, टाइम, मतलब घर पे टाइम खराब ना करना हो ना, यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा स्पेंड होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा एंजॉयमेंट भी होगा। सही बात है,
चले BTS भी चले, अभी कहाँ चले, अभी तो अभी आए हैं, ठीक है, नहीं नहीं आगे चले, मैं वापस नहीं कर रही हूँ, फैमिली हो गया घर में, मुझे भी क्रिकेट खेलना है, ओ माय गॉड, मैंने खुद नहीं खेला कभी, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है कोई, पर मजा आता है क्रिकेट खेलने, मैंने बचपन में खेला हुआ था, आज तक एक ही मैच देखा है, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, लेना कुछ पानी वानी लेना कुछ, जैसे कि आप इंडिया गेट जाते हो और वहाँ पर भी कोई ना कोई खाने पीने के आपको सामान कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो कुछ बच्चे को भूख लगे या आपको पानी पीना है तो वहाँ पे जैसे रिफ्रेशमेंट्स मिलती हैं है ना, ऑब्वियसली बाय करके, सो यहाँ पर भी आपको मिल जाने वाले, जैसे अभी यहाँ से एक भैया गया, उसने बोला पानी चाहिए, कोल्ड्रिंक कुछ चाहिए आपको, सो मतलब अगर आप कुछ भी नहीं लेके आते हो, जैसे एज अ पिकनिक के लिए तो हम लोग साथ में खाना वाना पैक करके लाते हैं, बट अगर आप कुछ भी नहीं लाते हो और अगर आप ऐसे ही आते हो तो भी आपको इजीली आप पैसे देके यहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सो हमारा ब्लॉग है वो आप पूरा एंड तक जरूर देखा, स्टेडियम हो गया स्टार्ट, मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है, लुक एट दिस, और हमने बनाई है यहाँ पे बहुत सारी इंस्टा की रील्स, जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके चेकआउट जरूर करना, जो कि है बेबी फैमिली व्लॉग्स के नाम से इंस्टाग्राम पेज है हमारा, तो वहाँ जाके जरूर चेकआउट करना हमारी रील्स, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, तो डू कमेंट शेयर एंड लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब भी लाइक करना है, उधर फॉलो करना, हाँ उधर फॉलो बिल्कुल, और दोनों जगह लाइक, अभी देखो वो इंस्टाग्राम रील ढूंढने में लगे हुए, अभी तो हैप्पी हो लगी, हम उस तरफ जा रहे थे एकदम से फाउंटेन चल पड़े, अभी गीला हो गए हम, मतलब होली का शगुन तो हो ही गया ना, होली का शगुन तो हो ही गया एकदम से, ये देखो फाउंटेन देखो सारे फाउंटेन चल पड़े और हम लोग गीले हो गए, मैंने कहा सब गीले हो गए, होली का शगुन हो गया, होली नहीं खेलते तुम, तो सब उठ के भागे और लिटरली ये पार्क भी हमारे साथ जो है हैप्पी होली खेल रहा है, हैप्पी होली, प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स है ना, गुलिंग का फेवरेट कलर पर्पल, आई नो BTS फैन का, BTS फैन, K-pop फैन, वेरी नाइस गाइस, देखो मैं पागल हो जाऊंगी, मतलब इतनी ग्रीनरी इतने फ्लावर्स देख के तो मजा ही आ गया लिटरली, है ना, कितने सुंदर फ्लावर, ये पता अगर इसने एक और मेरी BTS का नाम BTS K-pop BTS K-pop, ओह गॉड, डू कमेंट गाइस को हम किस किन के बच्चे ऐसे करते हैं, पागल है, सो गाइस बहुत अच्छी ग्रीनरी है नो डाउट, पार्क से निकल के अब हम नेक्स्ट पार्क जा रहे हैं, जो की है यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं फॉर्मल गार्डन था ये वाला, सो अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, देख सकते हो आप, हवा अच्छी चल रही है एंड मतलब अभी तो मौसम खुला है मार्च का, तो अभी तो यहाँ पर ऐसा है कि आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिस मर्जी टाइम आ जाओ, 3 बजे भी आ जाओगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ जाएंगी फिर आपको आना पड़ेगा शाम को, और आई थिंक इतना अच्छा सनसेट है इस टाइम पे, अच्छा सनसेट है, ऐसा नज़ारा मैं लिटरली बता रही हूँ, दिल खुश हो गए यहाँ के, एक बार आप भी जरूर आओ यहाँ पे, हाँ, और आपको तो कैमरे में देख के अच्छा लग रहा है, हम तो रियल में तो बहुत बढ़िया, हाँ रियल में तो अलग ही फीलिंग है, और पहली बार इतना प्यारा, मतलब अब लग रहा है भाई, अब भाई है मदर नेचर, सत्य वीर जी, तो एक्चुअली मैं तो पार्क आया था, घूम रहा था, व्लॉग बना रहे थे, मैंने वीर जी दिखे, तो मैं वीर जी पूछा, वीर जी आप जी कितो, तो वीर जी है तिलक नगर, तो वीर जी अपना नाम दसना, शुभ नाम, मेरा नाम गुलाब सिंह है, ओके, तो मैं ना पूछा, मैं तो आज बहुत सारी सिख फैमिलीज नजर आ रही है, कह रहे हैं सारे तिलक नगर तो आए हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं, सारे वीर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हेलो वीर जी, सत श्री अकाल वीर, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सारे वीर ने तिलक नगर तो आए ने, किसे काबू करने, सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल, सर अपना नाम, मरियाम सिंह, मरियाम सिंह जी ने तिलक नगर तो, हाँ जी तिलक नगर, आप जी वीर जी, हाँ जी हम भी तिलक नगर, शुभ नाम, मनजीत सिंह, मनजीत सिंह जी, मेरा अपना साडा चैनल है बेबी फैमिली व्लॉग करके ना, तो अभी यूट्यूब बनाने, सत श्री अकाल अंकल जी, आप जी शुभ नाम,
कल्याण सिंह जी बाबू जी साढ़े वे बजुर्ग ने इन्होंने नाम कल्याण सिंह जी है जी तो बने रहने सारे प्यून सिंह साहब से तो मैंने उनसे पूछा उन्होंने अपना नाम भी बताया मेरे मैंने उनकी वीडियो बनाई थोड़ी जी अच्छा तो वो कह रहे हैं हम सारे तेलंगाना जितने भी आप देख रहे हो ना सिख फैमिलीज हैं सब हम पीछे से वैसे काबुल से हैं काबुल के ना काबुली अच्छा आपका आइडिया सही था हाँ जी हाँ जी तो वो कह रहे हैं अभी तेलंगाना तो आए हैं सारे मैं कैसे भाई बस आयो कैसे मतलब बस बुक करके कहीं सब अपनी गाड़ियों में आए हैं गाड़ी सब ने पार्क कर रखी है तो हम यहाँ पे इंजॉय करें आप आओ हमारे साथ आओ बैठो इंजॉय करो खाना वाना मैं प्लीज़ थैंक यू सो मच मैं ब्लॉग जरा बनाते कहते अच्छा कोई बात नहीं फिर उन्होंने मेरे साथ कहते वीडियो बनाओ मैं वीडियो नहीं थोड़ी भी अरे वाह कह रहे हैं आओ साथ बैठो मैं थैंक यू नहीं लिटरली दिल खुश हो गया जैपनीज पार्क आके वैसे काफी कुछ गलत भी रूमर्स थे यहाँ के और लेकिन मुझे लगता है वो रूमर्स फेक है आई थिंक आना चाहिए सब फैमिलीज वाले बंदे भी आते हैं यहाँ पे आने वाले पूरा एंजॉय कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल गाइस गाइस मैं अभी आपको दिखाने वाली थी लेकिन वो चली गई यहाँ पर जो है ना बच्चे साइकिलिंग भी कर रहे थे अभी शायद वो चले गए बच्चे एक बार मैं और कहना चाहूँगा आप कहीं भी चले हो अभी यहाँ पार्क की बात नहीं कहीं भी चलो सिनेमा हॉल चले हो कहीं भी चले जाओ फैमिली आप कहीं जाते हो अच्छा बुरा तो हर जगह होता है आपको अच्छा ही देखना बस आपने अच्छा करना अच्छा देखो बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ देखो मतलब ओके खींचने के लिए भी बहुत ही अच्छी ब्यूटी मिल जाएगी आपको बैकग्राउंड जो ब्यूटी चाहिए ना और मतलब यहाँ पे बनी बनाई मिल जानी है कोई टेंशन नहीं है कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा इन ऑल दैट नो नो फिल्टर्स एंड ऑल नेचर सो एक्चुअली आपको जेन्युइनली यहाँ पे इतना अच्छा पीछे का बैकग्राउंड मिल जाएगा ना ग्रीनरी क्या चाहिए होता है ग्रीनरी और लाइक ट्रीज फ्लावर्स सो ये यहाँ पे सब कुछ और देखा ना आपको जो दिखा रहे हैं इस लोग उन्होंने पार्क का इसका 10वां हिस्सा भी दिखाया अभी 10वां हिस्सा भी बहुत कम हमने मतलब शूट कर पाए क्योंकि इतना बच्चे चल नहीं सकते बच्चे थक जाते हैं वो बात है भी नहीं और एक्चुअली एटलीस्ट मोटा मोटा ये चीज दिखा रही है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके बहुत शांति है और बहुत एंजॉय कर सकते हो आप और सबसे बड़ा ग्रीनरी जो है ना ग्रीनरी से बंदा वैसे खुश हो जाता है देख करके इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा वातावरण है हाँ, और वो देखो अभी हमारे सामने ये सनसेट हुआ है विद इन हाफ एन आवर हमने इसमें रील्स और फोटोज बनाई है वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे चेक करना ठीक है बेदी फैमिली देख सकते हो यहाँ पर एक जेट बना हुआ जेट है नहीं जेट बना हुआ है ब्लू लाइट्स चल रही है बहुत ही प्यारा लग रहा है नो डाउट और अब रात होने को हो रही है तो आई डोंट नो आपको क्लियर होगा कि नहीं बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस ब्लॉग में मैक्सिमम इस पार्क की आपको ब्यूटी दिखा पाए कि यहाँ पे क्या क्या है जो बच्चे देख के इंजॉय कर सकते हैं राइट और एक्चुअली मैं ना ये मुझे कह रही है कि दीदी ये जो भी है ना ये लग ऐसा रहा है मार्वल में नहीं होता वो टोनी स्टार्क जो बिल्ड कर रहा है उस टोनी स्टार्क के एलियंस लग रहा है जेट का नंबर भी लिखा हुआ 265 कहां है 265 ये लिखा हुआ है पीछे भी लिखा है हाँ ये लिखा हुआ ब्लैक का निशान ये लिखा 265 हाँ वेरी नाइस Star 265 मॉडल और अभी तो हमने एक और चीज देखी कि यहाँ पे जो है जो लोग आए हैं वो सिलेंडर खाने पीने का सामान बारबेक्यू सब लेकर आए हैं जो कि हाँ बारबेक्यू कर रहे हैं एक्चुअली में पिकनिक पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गेट से भी ज्यादा क्राउड मुझे लगता है इस पार्क में ज्यादा मुझे देखने को मिला सो आई थिंक आप भी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो इंजॉय करने वाली चीजें यहाँ पे अच्छी है नो डाउट मेन चीज जो आजकल मिस है मुझे लगता है दिल्ली के अंदर वो है ग्रीनरी हाँ नेचर ग्रीनरी ब्यूटी ऑफ नेचर तो यहाँ पर ये चीजें तो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली हैं और यहाँ पे लोग जो है फुल एंजॉय कर रहे हैं खाने पीने का सामान साथ लेकर आए हैं फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं क्या है कवल आपके मतलब की चीज झूले आने लग रही थी एक्चुअली झूले यहाँ है फाइनली झूले जो कि आप अगर बच्चे आपके छोटे आ रहे हैं तो वो झूलों का भी यहाँ पे फुल इन्होंने जो है इंतजाम करके रखा है पार्क वालों ने सो लास्ट चीज मुझे लगता है यही थी मिसिंग जो हम ढूंढ रहे थे कि झूले कहाँ है भाई इस पार्क में झूले होना तो मस्ट है ना पार्क में तो स्विंग्स भी मिल जाने वाले हैं आपको सो ये सबके बच्चे फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं आप प्लीज डू कम एंड एंजॉय इस पार्क की रिगार्डिंग आपको बताएंगे हम अभी आए हमने गाड़ी पार्क की है हम बाहर निकालेंगे मेरे यहाँ को टिकट नहीं है पार्किंग वगैरह की ना ऐसा कोई पे नहीं करना आपको आराम से वो बहुत स्पेस है खाली एक नहीं है कई जगह कई गेट है यहाँ पे जहाँ पार्किंग है हम तो एक गेट से आए हैं अभी फिलहाल हम जाके बताएं कौन से गेट से आए थे कहाँ से गेट आए हैं और कौन से गेट से एक्सिट हो रहे हैं बिल्कुल ठीक है
सो गाइज मतलब अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है ना तो प्लीज हमारे व्लॉग्स को शेयर करो ताकि जिन लोगों को नहीं पता इस पार्क के बारे में वो भी आए और एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ. और हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और करो एंड डू शेयर लाइक एंड कमेंट. पत्थर तो बहुत प्यारे लगते हैं नो डाउट. ये देखो पत्थर कितने प्यारे लग रहे हैं. गाइज अंधेरा हो गया है, लाइटें जल गई हैं पार्क में. रास्ता यहाँ हम भूल जाते हैं. पार्क में जो है टोटल चार गेट से एंट्री हो सकती है. हमने गेट नंबर 1 से एंट्री की थी. एक मॉल की तरफ से एंट्री होती है जो कि मोर मॉल की तरफ से. एक एंट्री होती है सेक्टर 11 की तरफ से. सो चौथे का मुझे भी पता नहीं, आपको क्लियर करती हूँ. और यस काफ़ी अच्छी ब्यूटी है यहाँ पे. सो डू विजिट.